लॉकडाउन के बाद शहर में आई मुसीबत तो लाखों मजदूर अपने गृह राज्य जैसे तैसे वापस लौट आए। कोरोना के कहर से बचाने के लिए योगी सरकार ने सभी प्रवासी मजदूरों को 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रखने का हुक्म सुना दिया, लेकिन यही क्वारंटीन सेंटर अब कोरोना के खिलाफ जंग में कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी के गांव देहात में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। यूपी के फतेहपुर के गांव देहात के इलाकों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों में नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि सैदनापुर गांव के इस स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में किस तरह से लोग मजमा लगाकर बैठे हैं। ग्राम प्रधान की मेहरबानी से कुछ लोगों को तो पेड़ के नीचे ही क्वारंटीन कर दिया गया है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ट्यूबवेल में क्वारंटीन कर दिया गया है। प्रशासन और हेल्थ महकमे की तरफ से भी कोई इनकी सुध लेने नहीं आया। कहाँ पे? आम के नीचे। अच्छा, छह लोग यहाँ पे। कहाँ पर? पंचायत घर में। कहाँ पे? पंचायत घर। अच्छा, पंचायत घर में करीब 15-16 आदमी स्कूल में। अच्छा, पेड़ के नीचे रोका गया है क्या उनको? तो क्या यहाँ पे कोई जांच करने है, कोई हालचाल पूछने आपका आया अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया। ग्राम प्रधान, सचिव या कोई अधिकारी? कहाँ से खाने पीने की व्यवस्था होती है? घर से। अच्छा, क्या लाइट वाइट की क्या व्यवस्था हुई है? कुछ नहीं, इधर से कटिया लगाए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की है। कहीं प्रवासी मजदूर झुंड में घूम रहे हैं तो कहीं पेड़ों के नीचे डेरा डाले हुए हैं। स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भी बदहाली का आलम है। शौचालय में साफ सफाई की हालत ऐसी है कि इस्तेमाल करना मुश्किल है। आप लोगों को अंदर रूम दिया है? जी, रूम है। आपको मिला है सोने को? हाँ, सोने को मिला सर। तो फिर बाहर आ गए? फिर बाहर आ गए। अब गांव जाने के इंतजार में सर, चेकिंग हो गया तो क्वारंटीन हो गया, चेकअप तो गांव जाने सर। उन्नाव के GIC ग्राउंड में मजदूरों को घरों तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए लोगों को चिलचिलाती धूप में घंटों लाइन में लगना पड़ता है। सरकार खाने पीने के इंतजाम का दावा कर रही है, लेकिन हालात ये हैं कि लंच पैकेट को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। आखिर में सरकारी लंच पैकेट गाय का निवाला बन गया। चौ साले के तो बहुत मजदूर है साहब, यहाँ कोई सही नहीं, सब में पानी अपने आप गिर रहा है। तो अंदर अंदर नहीं है। हाँ, कोई सफाई भी नहीं है, बहुत गंदगी है, तो डर लगता है। जाहिर है कि इन क्वारंटीन सेंटर में फौरन ध्यान नहीं दिया गया तो लॉकडाउन में किए गए तमाम उपाय बेकार साबित हो सकते हैं और यूपी में कोरोना विस्फोट को रोकना मुश्किल होगा। बांदा से अजय सिंह और उन्नाव से विशाल चौहान के साथ नितेश श्रीवास्तव, फतेहपुर आज तक।